एंडी हेयर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपना क्लोज रेंज में जो एम और एक्यूरेसी और मूवमेंट रहता है ना, वो कैसे आपको एकदम बढ़िया करना, एकदम परफेक्ट करना। बिकॉज काफ़ी लोग मेरे को पूछ रहे थे कि आपका क्लोज रेंज में इतना हेडशॉट्स कैसे लगता है एंड इतना जल्दी कैसे बंदे को डाउन कर देते हो। तो वही सारे टॉपिक मैं आज कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, एंड मैं सारे के सारे आपको ड्रिल्स बताने वाला हूँ जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ और खुद जाके रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस, एंड अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर। और गाइस, मैं इसमें कोई बेसिक चीज़ें नहीं बताने वाला, कुछ बेसिक्स तो आजकल सभी को मालूम है, मैं आपको बस एडवांस लेवल के जो ड्रिल्स रहते हैं तो मैं खुद प्रैक्टिस करता वो आपको बताने वाला हूँ। और उन ड्रिल्स को प्रैक्टिस करने के बाद आपका गेम प्ले जो है ना गाइस, आप खुद देख लेना कितना इंप्रूव हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, आपको ये जो बड़े वाले टारगेट्स होते हैं उनके सामने आना है, एंड दो टारगेट कोई भी चूज़ करने हैं उनके सामने खड़े होकर आपको लेफ्ट से राइट में एम करना है, लाइक उन दोनों के हेड पे एम लेके जाना है आपको अपने क्रॉस ईयर से। और अगर आपका एम एकदम परफेक्ट जा रहा है तो वो सेंसिटिविटी आपके लिए एकदम ठीक है, बट अगर आपका जो एम है वो पीछे रह जा रहा है तो इट मीन्स आपकी सेंसिटिविटी कम है, एंड अगर आगे निकल रहा है तो इट मीन्स आपकी सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा है, तो आपको वो थोड़ी एडजस्ट खुद से करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करने का है, ये जो तीन टारगेट रहते हैं आगे वाले, आपको इनके सामने आना है कुछ इस एंगल पर जिसमें मैं आया हूँ, एंड आपको ऐसा शूट करना है इस पर, इस सिंगल टैप पे डाल के आप कर सकते हो या बच के भी कर सकते हो ऐसा। इससे क्या होगा, आपका जो क्लिक करने का आ जाता है ना क्लोज रेंज में, लाइक दो बंदे एकदम सामने से आ जाते हैं तो आप एम ही नहीं लेके जा पाते हो दूसरे बंदे पे एक को मारने के बाद, तो आपका इससे क्या होगा, जो आप क्लिक करोगे ना वो आप काफ़ी इजीली कर पाओगे बंदे के ऊपर, इजीली एम ले जा पाओगे दूसरे के ऊपर भी। अभी मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा आगे इसका कैसे यूज़ होता है। चलो गाइस, जब अपना सेकंड रिल की तरफ चलते हैं, तो क्लोज रेंज में कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला बंदा अगर मूवमेंट कर रहा होता है तो आपका जो एम है ना, आप उसके ऊपर लाइक एम उसके ऊपर कर ही नहीं पाते, बंदे के ऊपर उसको ट्रेस ही नहीं कर पाते, वो जैसा लेफ्ट राइट कर रहा होता है, क्राउच वगैरह कर रहा होता है, तो आप उसके ऊपर एम ही नहीं ले जा पाते हो अपना, एंड वो आपको ईजिली मार देता है, एंड आप सोचते रहते हो भाई ये क्या हो गया। तो उसके लिए ये वाला ड्रिल है, आपको ये जो सिंगल मूविंग टारगेट होता है उसके सामने आना है, एंड यहाँ पे खड़े होकर आपको उसको ट्रैक करना है, लाइक ये जो जैसा लेफ्ट राइट हो रहा है ना बिल्कुल ऐसा, इसको ट्रेस करना, और आपको क्रॉसर जो अपना हेड लेवल पे रखना है उसके, तभी इससे एक्यूरेसी भी बढ़ेगा आपका और जो एम ट्रेस होता है वो भी आपका सही हो जाएगा। फिर आपको क्या करना गाइस, आपको खुद को भी लेफ्ट राइट मूवमेंट करना है, एंड मूवमेंट करते करते इसको थोड़ा ट्रेस करने का कोशिश करना है। ये थोड़ा हार्ड ड्रिल है, लेकिन ये वाला ड्रिल अगर आप प्रैक्टिस कर लिए ना भाई, तो क्लोज रेंज में ना आप लाइक इमॉर्टल टाइप हो जाओगे भाई, 90% फाइट आप इससे जीतोगे अगर आपने ये वाला ड्रिल अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। तो एक वीक का आप ले लो, एक वीक इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, एंड फिर आप देखना। गाइस, और एक चीज़ याद रखना, जब भी आप ये सब प्रैक्टिस करोगे या ट्रेनिंग रहो, उसके बाद आपको TDM में जाके ये सारी चीज़ें जो है वो ट्राई करके देखनी है कि हाँ आपका मूवमेंट एम कैसा हो रहा है, और यही सारे आपको जो मैं ड्रिल्स बता रहा हूँ इन्हीं को वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपका गेम में क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और अपना जो एम असिस्ट है उसको हमेशा ऑफ रखना जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको ऑफ ही रखना, TDM वगैरह में उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। और उसको ऑफ करके जब आप मारोगे ना बंदे को, तो आपको खुद से ही जो आपका क्रॉस एयर है ना वो आपको पूरा का पूरा खुद से ही हिलाना पड़ेगा, तो इससे आपका जो एक्यूरेसी है ना गाइस वो उसी से बढ़ेगा आपका। और कोई ऐसा नहीं है कि ये ड्रिल कर लो उससे एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, नहीं नहीं, आपको एम असिस्ट ऑफ करना पड़ेगा तभी आपका एक्यूरेसी इंक्रीज़ होगा क्लोज रेंज के लिए। तो गाइस, अब चलते हैं अपने थर्ड ड्रिल पे। तो गाइस, मैंने काफ़ी लोग को देखा कि उन लोग के पास कवर होता है, लेकिन वो कवर छोड़ के ओपन में निकल जाते हैं और ओपन में निकल के मूवमेंट देने लगते हैं, लाइक भाई उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो आपके पास कवर है, आप कवर छोड़ के उसमें ओपन में निकल रहे हो और फिर आप मूवमेंट कर रहे हो, उसका क्या फ़ायदा? आपके पास कवर है, आप उसका तो कोई यूज़ ही नहीं कर रहे हो ना। तो आपको ऐसा कुछ, ये मैं ड्रिल दे रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ये यहाँ पे कवर होता है ना, इसका इसमें आपको बैठना है जाके, एंड आपको जल्दी से ऊपर उठ के बंदे को थोड़ा सा बुलेट मारना है एंड वापस क्राउच कर लेना है। आप कवर में रहोगे, बंदे को डैमेज दोगे, लाइक अपने स्नैक्स भाई बोलते हैं ना, डैमेज दो अंदर आओ, वही आपको यहाँ परफॉर्म करना है। एंड आपको दोनों में प्रैक्टिस करना है, हिप फायर में भी यही चीज़ प्रैक्टिस करना है और ADS खुल के भी प्रैक्टिस करना है। तो गाइस, अपना एम और एक्यूरेसी हो गया, अब चलते हैं मूवमेंट की तरफ कि आपको मूवमेंट कैसे देना क्लोज रेंज में। तो अपने जोनाथन भाई को देख देख के भाई सब लोग जिगल का ट्रेंड ले आए हैं, भाई सब लोग को जिगल ही करना है क्लोज रेंज में। सब लोग मोस्टली 90% लोग आजकल जिगल यूज़ करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं रहता कि करना कैसे है।
और उनका एम इतना पूरा का पूरा एम खराब हो जाता है, उनको एम लेना नहीं आता बंदे पे, इतना जिगल स्पैम करते हैं कि उस स्पैम करने के चक्कर में एक ही जगह वहाँ खड़े होकर हल्का सा मूव हो रहे होते हैं और उनको लगता है भाई जिगल मूवमेंट हो रहा है उनका बहुत अच्छा, लेकिन वो एक ही जगह खड़े खड़े वहाँ पे मूव हो रहे होते हैं, ये चीज़ उनको नहीं पता रहता। मैं आपको दिखा था, अपना ये ट्रांसपेरेंसी हाई कर देता हूँ मैं जॉयस्टिक का, आपको पता होगा कैसा मूवमेंट करते बंदे। ये देखो ये एक ही जगह पर ऐसा इतना जल्दी स्पैम करते कि उनका एम पूरा ख़राब हो जाता है और एक ही जगह पे वो हल्का सा मूव हो रहे होते हैं। ये देखो आप इस एंगल से देखो आपको पता लगेगा, देखो कितना सा मूवमेंट हो रहा मेरा। ये देखो इसका कोई यूज़ नहीं, इस क्लोज रेंज में ये जो मूवमेंट है ना इसका कोई यूज़ नहीं, इसलिए मैं बोलता कभी किसी को कॉपी मत करो, अपना खुद से सीखो। मैं आपको बताता गाइस अभी कैसे आपको क्लोज रेंज में मूवमेंट देना है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, ये इसके आके आपको आना है ये जो सामने मेरे बॉक्स है एंड इसके पूरा लेफ्ट टू राइट आपको मूव करना है एकदम धीरे धीरे। अभी एकदम धीरे धीरे मैं बता रहा था कि आपको इसकी आदत हो जाए मूव करने की, फिर आपको फास्ट भी करना बाद में। फिर आपको ये टारगेट पे लेना, आपको समझ लेना ये उसका हेड है बंदे का, और आपको ये हेड समझ के ट्रैक करना है उसको क्रॉस हेयर से और मूवमेंट करना है लेफ्ट राइट। ये अभी आपको लग रहा होगा बहुत स्लो मूवमेंट है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा एनिमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मेरा मूवमेंट कैसे होता है। तो ये लो आप देख लो मेरा मूवमेंट ये कैसे होता है क्लोज रेंज में, आपको ये स्लो लग रहा होगा इधर देखने में, ये मैं वीडियो दिखाता आपको। और कुछ लोग का इस क्लोज रेंज में जो क्राउच वाला मूवमेंट होता है वो वाला भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, लाइक क्राउच अप वाला, बट उसका एक डिसएडवांटेज जो मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखो जब मेरा क्रॉस एयर है ना, मेरा क्रॉस एयर देखना, जब मैं क्राउच करूँगा तो मेरा जो क्रॉस एयर है वो बंदे के हेड से थोड़ा नीचे आ जाएगा, लाइक जैसे मैं क्रॉस एयर को हेड पे बंदे पे एम कर रहा हूँ अभी, तो जब मैं नीचे करूँगा उसको क्राउच करूँगा अपने प्लेयर को, तो देखो जो क्रॉस एयर है वो अपने आप नीचे आ रहा है, तो जो मेरा हेड शॉट है वो मिस हो जाएगा। तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि आप क्लोज रेंज में हेडशॉट जो है वो आप मिस कर दो, मूवमेंट तो आपका सही हो जाएगा लेकिन जो आपका एम और एक्यूरेसी है वो आपका थोड़ा सही नहीं होगा। तो हर चीज़ मूवमेंट ही नहीं होता क्लोज रेंज में गाइस, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आप मूवमेंट से नहीं जीतोगे, आपका एम और एक्यूरेसी है ना तो आप क्लोज रेंज जीतोगे, ना कि आप मूवमेंट से जीतोगे। तो एम और एक्यूरेसी वो ख़राब नहीं होने देना है, तो मैं नहीं प्रेफर करूँगा कि आप ये मूवमेंट यूज़ करो। हाँ कभी यूज़ कर सकते हो, लाइक दो बंदे आपके सामने सारे, तीन बंदे सामने सारे, तो आप उनको कन्फ्यूज़ करने के लिए मूवमेंट कर सकते हो, लेकिन फालतू को इतना स्पैम नहीं करना क्राउच अप क्राउच अप कि आपका खुद का एम ही खराब हो जाए, और अपने को एम और एक्यूरेसी है वो ज़बरदस्त रखना है क्लोज रेंज के लिए। तो गाइस यही सारे टिप्स और ड्रिल्स थे जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, उनमें सोचा आपको बताना ठीक रहेगा क्लोज रेंज के लिए। तो मेरा यही सब है गाइस, मैंने अभी इतना ही प्रैक्टिस किया है और खुद मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ अभी, और मैं अभी कोई परफेक्ट नहीं हूँ अभी, मैं अभी इम्प्रूव ही कर रहा हूँ गाइस। तो अगर आपको ये सारे ड्रिल्स वगैरह अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।